बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और चारा घोटाले के मुख्य आरोपी लालू प्रसाद यादव को आज दोषी मान लिया गया है। रांची कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को दोषी मानते हुए इस मामले में अब 3 जनवरी 2018 को सजा सुनाने की घोषणा की है। इससे पहले 13 दिसंबर को इस मामले की पूरी कार्रवाई कर ली गई थी और आज का दिन फैसले के लिए सुरक्षित रखा गया था। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव से जुड़े चारा घोटाले में रांची की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इसी मामले में पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा, ध्रुव भगत और विद्यासागर को बरी कर दिया। लालू प्रसाद यादव अब कोर्ट रूम से सीधे रांची जेल भेजे जाएंगे। हालांकि उनकी सजा पर अभी फैसला नहीं किया गया है। कोर्ट 3 जनवरी को सजा पर सुनवाई करेगा। कोर्ट ने इस मामले में जगन्नाथ मिश्रा समेत 6 अभियुक्तों को बरी कर दिया है, जबकि बाकी सभी को दोषी पाया गया है। फैसला सुनाने से पहले पुलिस ने किसी भी तरह के संभावित फैसले को ध्यान में रखते हुए रांची पुलिस ने होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के आसपास सिक्योरिटी सख्त कर दी थी। चारा घोटाला बिहार का सबसे बड़ा घोटाला था, जिसमें पशुओं को खिलाए जाने वाले चारे, दवाइयां और पशुपालन से जुड़े उपकरणों को लेकर घोटाले को अंजाम दिया गया। इसमें पशुपालन विभाग के सरकारी खजाने से 950 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का आरोप है। केंद्र सरकार गरीब आदिवासियों को अपनी योजना के तहत गाय, भैंस, मुर्गी और बकरी पालन के लिए आर्थिक मदद मुहैया करा रही थी। इसी दौरान मवेशी के चारे के लिए भी पैसे आते थे, लेकिन गरीबों के गुजर बसर और पशुपालन में मदद के लिए केंद्र सरकार की तरफ से आए पैसों का गबन कर दिया गया था। चारा घोटाले का खुलासा साल 1996 में हुआ। उस वक्त लालू प्रसाद यादव राज्य के सीएम थे। चारा घोटाले मामले में कुल 56 आरोपियों के नाम शामिल हैं, जिसमें राजनेता, अफसर और चारा सप्लायर तक जुड़े हुए हैं। चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव पर 6 अलग अलग मामले लंबित हैं। इनमें से एक में उन्हें 5 साल की सजा हो चुकी है,